गुड मॉर्निंग इंटरनेट, 5th ऑफ अगस्त सैटरडे। सैटरडे के दिन इतने सुबह के बज रहे हैं 8। एंड जैसे आपको पता है, मैंने बैंगलोर में शिफ्ट हो गया हूँ। मैं तो बैंगलोर में एक रिचुअल है कि यहाँ पर लोग 5 बजे बिरयानी खाते हैं। तो आज मैं अपने कलीग्स को मिल रहा हूँ एंड दे आर गोइंग टू ईट बिरयानी, मलिका बिरयानी, विच इज़ लाइक 8 to 10 kilometers फ्रॉम माई हाउस। सो छोटा सा ब्लॉग है अबाउट बैंगलोर एंड आई विल मेक यू मीट माई फ्रेंड्स। वो लोग बताएंगे अपने बारे में। एंड स्ट्रेंज लग रहा है सैटरडे को इतना बजे उठ के, मंडे टू फ्राइडे काम करके। द वेदर इज़ गुड, प्लीजेंट, अराउंड 24 degrees। अमरनाथ का वीडियो पाइपलाइन में बन रहा है। अकेला भाई है आपका जो बनाता भी एडिट भी करता है। बहुत सारी चीज़ें होंगी अमरनाथ की जो मैं घर पे शूट करूँगा, क्योंकि बारिश बहुत थी, रास्ता बहुत ख़राब था। तो ये था। और भाई ये बताना आपको कि यहाँ तो ठीक है, आप जब आओगे तो ये तो पता ही हमारी हमसफर खड़ी है। ये हमारी नहीं, ओला S1 Pro। 8 से 10 किलोमीटर राइड करेंगे, देखेंगे कैसे चलती है। बोलते हैं 135 किलोमीटर इन नॉर्मल मोड। चलिए देखते हैं, मेरे साथ बने रहिए। मलिका बिरयानी आपको दिखाता हूँ कैसा है। अगर आप उधर आए हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में बांटिएगा और ट्रैवल थेरेपी की फैमिली बढ़ाइएगा। सो गाइस, ये हमारा घर, ये हमारी नई ओला। 285 किलोमीटर चल चुकी है, एक हफ्ते से मेरे पास है। चल तो अच्छी रही है, 100% बैटरी, 135 किलोमीटर रेंज। थोड़ा आगे चलते हैं तो नेटवर्क नहीं आ रहा। ये मैं निकला अपनी गली से बाहर, धूप निकल रही है पर बैंगलोर में तो बारिश हो ही नहीं रही है। चलो यहाँ पे हम सेट करते हैं अपना GPS। चलो सबसे नियरेस्ट चीज तो डाल दी मैंने, देखते हैं। तो हम जा रहे हैं 6 किलोमीटर। राइट बता रहा हूँ, उनको लेफ्ट लग रहा है, सॉरी लेफ्ट बता रहे हैं, उनको राइट लग रहा है। चलो ये शायद मेरे दोस्त की गाड़ी है। बैंगलोर में 6 किलोमीटर का भी मतलब 18 मिनट लगता है ना, मैं थक चुका हूँ बैंगलोर से। बट शहर अच्छा है, मौसम अच्छा है आज। एंड फ्रेंड्स आ गए, ये विनय, वो पवित्रा, हर्षा, शिबीन। तो ये मलिका बिरयानी, हम अंदर चलते हैं देखते हैं कैसा है। एंड अच्छी वाइब है, अच्छा रेस्टोरेंट है। सुबह के 8 बजे में पीपल बिरयानी खाते हैं कर्नाटक में, ये तो मैंने सुना नहीं था। बट दिस इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस, वी हैव मल्टीलिंगुअल फ्रेंड्स। आपको वो कन्नड़ा, मलयालम,
तमिल और तेलुगु अभी पता नहीं, कोई मिल जाएगा तो उसमें समझा देता हूँ। एंड ऐसे कंटेंट के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए ट्रैवल थेरेपी को, मेरे सोशल नेटवर्क्स पे भी फॉलो कीजिएगा एंड ट्रैवल थेरेपी की फैमिली बढ़ाइएगा। एंड तो यू हैव UPI, यू हैव कैश, चलो देखते हैं खाने में क्या क्या है। सिटिंग अच्छी वाइब है रेस्टोरेंट की। भाइयो श्रावण की वजह से मैं तो नहीं खा पा रहा, बट ये देखो ये बिरयानी है, क्वांटिटी अच्छी है। कितना खाएंगे मेरे दोस्त देख लो, एक जन्म का खाना है ये सब इनके, एक जन्म नहीं एक टाइम का खाना है। लंच और डिनर बाकी है उनके लिए, मैं इनके साथ नहीं हूँ। ऐसे कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल थेरेपी को, अपनी फैमिली बढ़ाइए। एंड अमरनाथ का ब्लॉग आ रहा है, मैं आपको रीजनल लैंग्वेजेस में बताऊंगा कि ये मतलब इनकी लैंग्वेजेस में बताऊंगा ये कैसा है। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, इट्स अरोमैटिक एंड देखते ठीक है। वेल ऑल आर माय कलीग्स, शी इज कनाडा, ही इज कनाडा एंड दिस हैरी पॉटर हुज रनिंग हियर एंड देयर शील्स टेल इन मलयालम, सो आई विल इंट्रोड्यूस हिम जो है ना द ओनली वेज फ्रेंड इन द ग्रुप, आज सही हो गया। एवरीबडी इज ईटिंग द ब्रेकफास्ट और मेरे नसीब में सिर्फ मल्टी डॉलर्स का पानी बाकी है, बट ठीक है, आई टुक अ बुलेट फॉर माई फ्रेंड्स। आप भी अपने दोस्तों के साथ जाइए, उनको कहीं पे अपने शहर में घुमाइए, फेवरेट रेस्टोरेंट जाइए एंड देर आर थिंग्स विच योर सिटी इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड। सो आई हैव मूव्ड टू न्यू सिटी, दीज आर लोकल पीपल एंड लोकल चीज़ बताने के लिए बहुत अच्छा है। एंड आप भी अपनी शहर घूमिए, इसी नोट पे प्लीज़ सब्सक्राइब। योगा टाइम आ गया बिरयानी का, हमारे पास चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी है और चिकन कबाब है और एक मिनट ना पूछता हूँ, दिस इज़ मटन चॉप्स। सो आई हैव मल्टी लिंगुअल पीपल, मल्टी लिंगुअल फ्रेंड्स लाइक इंडिया ओनली, आई एम अ डेमोक्रेटिक पर्सन। सो पहला रिव्यू चिकन बिरयानी का मलयालम में, माई कलीग हर्षा विल, आई डोंट नो मलयालम बट वॉट एवर शी सेज प्लीज़ राइट इन कमेंट्स, गाली वाली तो मेरा नहीं है भाई, शी सर ओके। So that's the chicken biryani. That's Harsha. Harsha, how was the chicken biryani? Malayalam mein bata na kuch. Malayalam mein. How was the chicken in it? How were the flavors? ठीक है. So Harsha, how was the biryani? Malayalam mein tender. How were the flavors of chicken in the biryani? Nalla juicy tender. Bhaiyo. इसका एक शब्द का मलयालम इतना ही था, ये जो भी मलयालम में बोली प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स। मेरे पास एक ऑथेंटिक स्पीकर है, मेरी कलीग हाँ, वो आपको इंग्लिश कन्नड़ा में बताएंगी कि मटन बिरयानी कैसा है एंड द अदर फूड्स शी विल एक्सप्लेन, शी इज़ नॉट कैमरा कॉन्शियस एट ऑल। सो चलते हैं उसके पास, परेशान करते हैं। तो पवित्रा ओवर टू यू प्लीज़। ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸಸ್ ತುಂಬ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಬೇಕು, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೈಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಫುಲ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಮಟನ್ ಪೀಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕಬಾಬ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಷ್ಟಾಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವಳು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನು, ಸೊ ಅವನಿಗೇನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೈಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಟನ್ ಪೀಸಸ್
ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬರೋದು ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪವಿತ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬತಾನಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 7:30 ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಡೇ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30 ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೋಟಿ ತಲೆ ಮಾಂಸ ಬ್ರೇನ್ ಫ್ರೈ ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 12:00 ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಭಯ್ಯೋ ये था रिव्यू मलिका बिरयानी का आई कुडंट अंडरस्टैंड बट इन शॉर्ट ये था कि मटन इज़ वेरी जूसी चिकन इज़ वेरी जूसी द डिफरेंस बिटवीन मलिका बिरयानी एंड डिफरेंट बिरयानीज आर कि मलिका बिरयानी शायद वुड पे कुक होती है अभी भी ऑथेंटिक स्मॉल राइस से कुक होती है ऑथेंटिक पुराने वे से कुक होती है एंड ये नॉर्मल बिरयानी राइस नहीं है ये थोड़ा सा स्मॉल राइस एंड यू सी द एनर्जी ऑफ द ग्रुप ऐसे अभी बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे लोकल बैंगलोर के यही दो लोकल लाइट्स घुमाएंगे सीटीआर का प्लान है उसके बाद व्हिच वाज दैट बिरयानी होगड़ से बिरयानी होस्कोटे बिरयानी एंड सम देयर इज एन वेल ऑफ सॉरी वेल ऑफ स्नेक्स ओवर देयर सो मतलब बहुत सारी चीजें हैं बहुत मस्ती है एंड आप भी अगर कोई ऑफिस में कलीग होते हैं तो जाइए उनके साथ कॉलेज के बाद जो कॉलेज वाइफ आ रही है बैक टू कॉलेज डेज वेयर एवरीबॉडी इज सपोर्टिव सपोर्ट योर फ्रेंड्स आल्सो एंड अल्टीमेटली यही बोलूंगा फैमिली को खुश रखिए फैमिली के साथ रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मैं मिलूंगा किसी अगले सफर में आपको तब तक हाँ एनर्जी है तब तक प्लीज मेरे चैनल को देखते रहिए शेयर कीजिए मैं इंस्टाग्राम ट्विटर स्नैपचैट फेसबुक पे भी हूँ सेम ट्रैवल थेरेपी के नाम से उसको भी फॉलो कीजिएगा एंड लिंक्डइन पे नहीं ओके सो ब्लॉग खत्म करने का जो हमारा रिचुअल है वो ये इस बार के ब्लॉग की शायरी है हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते जान होती तो वो भी लुटाते जाते हैं अब तो हर पत्थर तेरे शहर का पहचानता है मुझे फिर भी मेरी हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं और अच्छे ब्लॉग्स बना सकता हूँ तो आप बताइए कमेंट्स में कि बैंगलोर में जगह बताइए आई विल गो देयर आई विल टेक माई फ्रेंड्स एंड आई विल ट्राई ब्लॉगिंग ओवर देयर गिव मी सम रिकमेंडेशंस लद्दाख इज़ प्लान्ड लद्दाख के बाद रामेश्वरम इज़ प्लान्ड उसके बाद रॉयल एनफील्ड का गोवा इज़ प्लान्ड एंड देन माई बर्थडे या स्टे ट्यून्ड